हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत टाइम के बाद आ जा रहे हैं हम शहर से गांव की ओर, क्योंकि छुट्टियां स्टार्ट हो गई है बच्चों की। तो हम भी जा रहे हैं घर, और घर हमने बताया नहीं है क्योंकि बच्चों की प्लानिंग थी कि दादा दादी को सरप्राइज देंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं ब्यासी में, और ब्यासी में भी काफ़ी भीड़ लग रही है, काफ़ी गाड़ियां खड़ी हो रखी है क्योंकि सीजन टाइम है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है सीजन टाइम में। तो अभी देखते हैं तीन धारा में हमें पार्किंग मिलती है या नहीं। तो हम पहुंच चुके हैं तीन धारा में और काफ़ी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हो रखी हैं। तो साक्षी की तबीयत हो गई है थोड़ी सी ख़राब, और वो लेटी हुई है पीछे और कह रही मम्मी मैंने कुछ नहीं खाना। मैंने कहा थोड़ा खा ली, खाली पेट ऐसी तबीयत हो गई होगी तो वो कुछ खाने के लिए तैयार नहीं है। साक्षी खा ले बेटा, थोड़ा सा कुछ तो खा ले। तो उसे कुछ नहीं खाना है। यार हम जाते हैं बाहर से, वे लोग मुझे आवाज़ दे रहे, तो मैं चलती हूँ बाहर। तो साक्षी ने पापा ने मना लिया है साक्षी को, और हम उस वाले होटल में खाने वाले थे लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम इसमें खाना खाएंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे। साकी पराठा, साकी पराठा, रोटी भैया, दो पराठे हैं। इसको बर्गर अच्छे नहीं खाने, उसको बर्गर बर्गर कहाँ बर्गर मिल रहे हैं? बर्गर मिल रहे हैं यहाँ पे, परांठे और रोटी मिल रहे हैं। तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और सामने आप देख रहे होंगे बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत ज़्यादा यात्रा सीजन चल रही है। साक्षी ने मुझे दिया एक सेंडर फ्रेश, फिर मम्मी ये खा लो। मैंने कहा ठीक है, रास्ते में मुझे उल्टी नहीं होगी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अभी देखते हैं फिर आगे आगे बैंडों पर और ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, ये मुझे बुला रहे। चले हो गया आपका, पराठे खाए लेकिन हमें पराठे पराठे नहीं पसते सफर में, हमने सिर्फ एक रोटी खाई। और हम पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग, हम बाईपास होते हुए जा रहे हैं घर, और जंगल भी काफ़ी हरा भरा सा लग रहा है, इसका मतलब कि बारिश डेली हो रही है गाँव में। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं अगस्त मुनि में, और अगस्त मुनि मार्केट में भी काफ़ी चेंजमेंट आ चुका है पूरे एक साल में, काफ़ी नई दुकानें खुल गई हैं। और अगस्त मुनि का मार्केट इतने टाइम के बाद देख रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, और सीधे कॉलेज टाइम मुझे याद आ गया जब डेली अगस्त मुनि आना होता था। लेकिन अभी देखो ऐसा होता है कि जब कहीं शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर सालों में होती है मुलाकात अपने गाँव के मार्केट से। तो अभी हम अगस्त मुनि में हैं, और अब चलते हैं हम आगे चंद्रापुरी। और ये है अगस्त मुनि कॉलेज, कॉलेज के बच्चे आते हुए। मैंने भी इसी कॉलेज से पढ़ाई की है, तो बहुत प्यारा लग रहा है इतने टाइम के बाद अपने कॉलेज देख के। और कॉलेज में भी काफ़ी बदलाव हो गया है, हमारे टाइम ये वाली बिल्डिंग नहीं थी तो अब यहाँ हॉस्टल बन गया है। तो हम पहुँच चुके हैं बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा में जो ये सामने वाली रोड दिख रही है वो जाती है मेरे मायके को यानी भीरी, और इधर से कट जाएगी एक सड़क, ये जाएगी मेरे ससुराल यानी कि क्यूंजा। तो हम यहाँ से ले लेंगे राइट। तो हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के दूलाधार में, यहाँ से दो रोड कटती है, ये जाती है कंडारा को और यहाँ से जाती है हमारे गांव को। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, हरा भरा जंगल बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है हरियाली देख के, यानी कि यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि काफ़ी घास हो रखी है। जी हाँ, तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर की मार्केट में, और घर हमारा आने वाला है, और संयोग बहुत ज़्यादा खुश है दादाजी से मिलने के लिए, और दादाजी को पता नहीं है संयोग आ रहा है। तो ये है हमारा घर, ये ब्लू वाला, और कोई घर के बाहर नहीं दिख रहा है, तो संयोग सरप्राइज देगा उनको। सोना हो गए एकदम से सरप्राइज, हमने इसको सरप्राइज दे दिया, उन्होंने बताया भी नहीं, और ये घर में पहुंच गया। जी हाँ, और ये खा रही थी खाना बेचारी ने, हमें आते ही दरवाजा लॉक कर दिया और अंदर खाना खा रही थी। हाँ। अभी मिलाते हैं हम दादाजी को और संयोग को।
तो संयोग बहुत खुश हो गया दादाजी से मिलके, और दादाजी खाना खा रहे थे, उनको पता नहीं था कि संयोग आज आ रहा है, और सचिन भी सरप्राइज हो गया एकदम से। ये हमारे घर के चुन्नू मुन्नू, हेलो प्रणाम देने के अंदर ने मुझे वो सरप्राइज हो गए कि अचानक कैसे आ गई भूज जैसे, है ना। मम्मी को किसी ने किया, मम्मी को किसी तो बोलो पहले, मम्मी को किसी तो कहो, मेरा बॉय बचिया सरप्राइज हो गया, स्वामी पहचाना नहीं, मम्मी आ गई अचानक। हां स्वामी, तो आज हमें देवर जी ने भी दे दिया है सरप्राइज, मेरे देवर जी पहुंचने वाले हैं घर। और देवरानी जी थोड़ा सी से मैं अपने आप को निहार रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, और वैसे शर्मा रही है। मुंह तो दिखा दे अपना, क्यों शर्मा रही इतना, शर्म आ रही तेरे को? तो ये तो भाई अपना फेस हमें दिखा नहीं रही है, बहुत शर्मा रही है, बहुत प्यारी लग रही है। तो शाम के 4 बजे का टाइम हो गया है, और हम वेट कर रहे हैं देवर जी का, है ना। किसी किसी से तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट कर रही है वो, और हम काफ़ी वेट कर रहे हैं उनका, उनका भी कॉल आया, पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। हमने तो चाय वाय पी ली, अभी बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है यार इतने टाइम के बाद मिलके सोना से। हाँ, सोना तेरे को लग रहा है इसमें? यस यस। नहीं, इसका काम बढ़ गया ना, सोच रही होगी जेठानी आ गई तो मेरा और काम बढ़ गया, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसको सरप्राइज या वो उसी में शौक में चली गई। अब दूसरा सरप्राइज ये होगा, मेरे देवर जी ने कहा हाँ मैं भी घर आ रहा हूँ, तो दूसरी बार शौक में चली गई है वो। तो देवर जी पहुंच चुके हैं घर, आयुष्मान और देवरानी जी, हेलो हाय। शाम के 6:30 बजे का टाइम हो चुका है, और देवरानी जी बना रही है शाम की चाय सिर्फ हम दोनों के लिए, क्योंकि सब लोगों ने चाय पी लिया और वो कहीं ना कहीं गए, लेकिन हमारा पेट कभी नहीं भरता है चाय पी के, हम दोबारा चाय बनाएंगे अपने लिए। और वैसे ही हम रात के खाने की तैयारी भी करते हैं, क्योंकि बड़ी फैमिली है तो खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जब जल्दी शुरुआत करेंगे तभी टाइम से खाना खाने का मतलब जो टाइमिंग है वो सही रहेगी। और थक भी गए हैं रास्ते से, बहुत थकान हो गई है आज। तो आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे समाप्त, और आपको मेरी आज की ब्लॉग कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ, और तब तक के लिए बाय।